22 घंटे बाद अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा और प्राण प्रतिष्ठा से पहले मंगल वादन होगा। आपको बता दें प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान का आज छठा दिन है और प्राण प्रतिष्ठा की टीवी 9 पर लगातार जारी कवरेज के तहत खास तस्वीरें भी अब आपके सामने होंगी। आपको बता दें 22 घंटे शेष बाकी हैं। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर की जा रही तैयारियों की एक एक तस्वीर टीवी 9 भारत वर्ष आपको दिखा रहा है, जहां आपको ये भी जानना जरूरी है कि कैसे प्राण प्रतिष्ठा से पहले मंगल वादन होगा। अब मंगल वादन में खास क्या होगा, इसकी एक एक जानकारी भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान का छठा दिन है और आज विशेष तौर पर जो पूजन किया जा रहा है उसको लेकर भी जानकारियां सामने आ चुकी हैं। प्राण प्रतिष्ठा की टीवी 9 पर लगातार जारी कवरेज के तहत ये 4 खास तस्वीरें आपके सामने, क्योंकि जिस घड़ी का इंतजार करोड़ों राम भक्तों को था वो घड़ी बेहद करीब आ गई है। कल प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है और उससे पहले अयोध्या धाम सज धज कर तैयार है। राम के रंग में अयोध्या कैसे रंग गई है, हमारे सहयोगी लगातार इस बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं। विपिन चौबे मेरे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं और विपिन, हर तरफ श्रद्धा भक्ति भाव का यही माहौल इस वक्त देखने को मिल रहा है और आप तो उसके साक्षी हैं। बिल्कुल सर, भी देखिए बिना वक्त जाए किए वो खूबसूरत तस्वीरें जो शायद इतिहास में दर्ज हो रही है। और ये देखिए एक तरफ खूबसूरत बच्चियों का डांस चल रहा है, कैसे ट्रेडिशनल गानों पर ये थिरक रही हैं, और दूसरी तरफ ऐसे ऐसे वाद्य यंत्र हैं जो शायद हम लोगों ने भी कभी नहीं देखे होंगे। उन वाद्य यंत्रों को दिखाइए कैसे सेलिब्रेशन हो रहा है। एक साइड से ये देखिए कैसे सेलिब्रेशन हो रहा है, कहां कहां से लोग आए हुए हैं, अपने मन के उद्गार को कैसे निकाल रहे हैं और अपनी खुशी को कैसे बयान कर रहे हैं, वो भी अपने आप में बहुत दिलचस्प है। और इन बच्चियों से एक बार बात करने की कोशिश करते हैं। जरा एक बार घूम जाइए आप लोग, एक बार घूम जाइए, ये देखिए ये खूबसूरत डांस है और हम लोग इस ऐतिहासिक पल के गवाह बन रहे हैं और अपने कैमरे के जरिए हम दुनिया को ये दिखा रहे हैं। क्या आप अयोध्या नहीं आए हैं तो कोई बात नहीं, निराश मत होइएगा, क्योंकि टीवी 9 भारत वर्ष आपके साथ है। एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे और ये बताते चलेंगे कि अयोध्या कैसे सज गई है, रामलला के आगमन को लेकर कैसे जश्न मन रहा है। कुछ लोगों से बात कर रहे थे, कहाँ से हैं आप? अयोध्या से। अयोध्या से, कितनी बड़ी तैयारी जी, कल मेरा भी महोत्सव लगा है, परफॉर्म करना है जी जी। कितने दिन लगे डांस तैयार करने में? 2 दिन लगे बस। कैसा लग रहा है ये बताओ? बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे राजा दोबारा से आ रहे हैं, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। राजा साहब के आगमन की तैयारी है? है, बहुत जोरी से। अच्छा, कितने दिन तैयार किया डांस? एक भी दिन नहीं, लेकिन बहुत मजा आ रहा है। कल प्रधानमंत्री आएंगे, उनके साथ भी सामने भी परफॉर्म करने को मिलेगा, एक्साइटेड है? बहुत ज्यादा। खूब ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो क्या कहेंगे आज के दिन? जय श्री राम। और पब्लिक को देखिए, एक तरह से पब्लिक जोरदार तालियां इनके लिए, ये देखिए एक तरह से इस पब्लिक को देखिए, पब्लिक के चेहरों को देखिए और सामने नाचते थिरकते लोगों को देखिए और लोग पूरा दमखम लगा रहे हैं कि आज उनके रामलला आने वाले हैं। 24 घंटे का वक्त बाकी है, कहां से आए आप? जय श्री राम, फरीदाबाद से। इतनी बड़ी तैयारी, कितना जबड़ा जश्न और कितने ज्यादा उत्सुक हैं आप लोग? बहुत बहुत जोश है राम के लिए। जय श्री राम। क्या कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। योगी आदित्यनाथ की जय हो, मोदी जी की जय हो। 2024 में मोदी और योगी आदित्यनाथ आने चाहिए। आज का परफॉर्मेंस, कल का परफॉर्मेंस, इससे पहले जितने दिए परफॉर्मेंस है उनसे कैसे अलग है? बेटर, ये बेटर लग रहा है हमें, ये बेटर लग रहा है हमें राम मंदिर का। क्या बात है। और ये देखिए जैसे जैसे धुन बदलती है वैसे वैसे लोगों का थिरकना तेज हो जाता है और लोग जय श्री राम। फरीदाबाद, जय श्री राम। जय श्री राम। अद्भुत अद्भुत नजारा है ये। ग्वालियर एमपी। एक बार इन बच्चियों से फिर से बात करते हैं। आप लोगों के लिए ये परफॉर्मेंस अलग क्यों है? इसलिए क्योंकि रामलला ये अवधि प्रोग्राम है। अवधि जी, कैसे अलग है? हमेशा आप लोग परफॉर्म करते होंगे लेकिन रामलला का आगमन हो रहा है इसलिए स्पेशल है। रामलला का आगमन हो रहा है इसलिए स्पेशल परफॉर्मेंस है। बिल्कुल बिल्कुल। इधर अवधि, अवधि लोक नृत्य। अवधि जी हां। कितने दिन लगे हैं तैयार करने में ये? हम लोग हमेशा करते रहते हैं, हमेशा करते। क्या दिखा?
दिखाएंगे आप लोग, जरा दिखाइए अवनी। और एक तरफ देखिए फरीदाबाद के ये बीन बज रहे हैं और बीन पर थोड़ी देर का विराम देती हूँ आपको, क्योंकि ये उत्साह बढ़ता ही रहेगा और शेष कुछ ही घंटे बाकी हैं अब तो ये कहना चाहिए। और प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जिस तरीके से पूरी हो चुकी हैं उसकी एक एक तस्वीर हमारे सहयोगी लगातार दिखा रहे हैं। और अयोध्या को कैसे फूलों से सजाया गया है उसकी भव्य तस्वीर आपके सामने, दिव्य अयोध्या की ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं और देखनी चाहिए। मेरे सहयोगी कुमार कुंदन ने एक खास रिपोर्ट भेजी है। अयोध्या नगरी का हर फ्रेम अपने आप में फोटो फ्रेम है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो जो भी तस्वीर आपको दिखाऊंगा उस तस्वीर में जहां भी नजर जाएगी बहुत ही खूबसूरत नजर आएगी। और ये अयोध्या इससे पहले इतनी खूबसूरत दिखी थी क्या कभी? हमने तो कभी इतनी सुंदर नहीं देखा। हाँ। पहली बार जिंदगी में देख रहे हैं और धन्य हो गए इसको देख के। इतना खूबसूरती, इतनी सुंदरता शायद ही कभी लाइफ में मिले। मैम हर फोटो फ्रेम नजर आ रहा है, हर फ्रेम फोटो फ्रेम नजर आ रहा है। एकदम स्वप्न नगरी लग रहा है। सपने में भी नहीं सोचने को मिलता होगा इतना सुंदर स्वर्ग लोक। कितना 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 खूबसूरत दिख रहा है आपको? बहुत खूबसूरत दिख रहा है। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि प्राण प्रतिष्ठा में हम लोग शामिल हो रहे हैं। यहाँ इतना अलग तरह का सारा माहौल बन गया है अयोध्या का, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। तो ये देखिए अलग माहौल बन गया है और उस अलग माहौल की तस्वीर TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। जिस तरीके से पूरे इलाके को सजाया गया है, सवारा गया है, हर गेट वो गेट जो मंदिर की ओर जाता है, हर रास्ता वो रास्ता जो मंदिर की ओर जाता है, हर रास्ते पे फूल बिछाए गए हैं और अलग अलग तोरण द्वार बनाए गए हैं, सभी पे रामायण की चौपाइयाँ लिखी गई हैं, गजराज स्वागत करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर अयोध्या की है, उस अयोध्या की जहां प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होने वाला है। कुमार कुंदन हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कुंदन, आपकी रिपोर्ट्स के जरिए अयोध्यावासी क्या सोच रहे हैं ये तो मैंने सुन लिया, आपको कैसा महसूस हो रहा है? महीने भर से ज्यादा हो चुका है आप अयोध्या में ही मौजूद है, अब जब ये शुभ घड़ी नजदीक आ रही है तो जरा वो भाव भी बता दीजिए। सुरभि, जब प्रधानमंत्री का रोड शो हो रहा था पिछली बार नगर भ्रमण, तो मैंने देखा था कि आप कितने उत्साहित थी, तो आप सोच सकते हैं कि अकल्पनीय है वो उत्साह जब अब से कुछ ही घंटों बाद प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने जा रहा। मैं एक तस्वीर से दिखाना चाहूँगा, ये एक चरण पादुका की तस्वीर है और ये तस्वीर आई है और इस तस्वीर के माध्यम से ये मुंबई से आई है और इसको तीर्थ क्षेत्र को भेंट किया जा रहा है। क्या तस्वीर, कहाँ से आई है आप? ये पादुकाएं चित्रकूट से लाई गई इस समय पे। लेकिन राम के जो चरण है, लगभग विगत 2 वर्षों से हम यात्रा निकाल रहे हैं, श्रीलंका से अयोध्या, अयोध्या से जनकपुर, अब अंत में ये जो चित्रकूट है वो स्थान है जहाँ पर राम की धरोहर रखी हुई थी। भरत जी राम का स्वागत करने के लिए, राम को राज्याभिषेक कराने के लिए तमाम नदियों का जल लेकर आए थे। जब राम ने राज्याभिषेक स्वीकार नहीं किया तो चित्रकूट के एक भरतकूप में डाल दिया गया था। अब राम का राज्याभिषेक हो रहा है तो तमाम सामग्री जो राम के राज्य तिलक की लाई गई थी वो सब जगह स्थानों का जल, रास्ते में श्रृंगवेरपुर का, गंगा का, सब जगह जल लेकर हम यहाँ पर आए हैं, मिट्टी लेकर आए हैं, तो राम की धरोहर वापस राम को अर्पित की जा रही है। तो ये देखिए धरोहर वापस करने का वक्त है, उस तस्वीर को जो दिखा रहे हैं TV9 भारतवर्ष। और मैं बता रहा हूँ सुरभि, आप किसी भी इलाके में चले जाएं, हर चीज राम से जुड़ी हुई है और सबको इंतजार उस पल का है जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू होगा और उस कार्यक्रम में हम और आप और पूरा देश का पूरा विश्व उसके हिस्सेदार हो रहे हैं।